Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. हम first generation of computer के बारे में पढ़ चुके हैं, second generation of computer के बारे में भी पढ़ चुके हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे third generation of computer के बारे में. थोड़ा सा rewind कर देते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक. First generation of computer में हम पढ़ चुके थे कि वहां पर vacuum tube का use होता था. First generation of computer कैसे दिखते हैं, ये आपके सामने जो है first generation of computer है. अब हम इसमें देखेंगे जो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था उनकी वजह से जो हीट जनरेट होती थी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी और इनका साइज जो है वो भी बहुत बड़ा था, यानी कि ये पोर्टेबल नहीं थे. तो ये एक लिमिटेशन थी और इस लिमिटेशन को दूर किया किसने, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने. सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या किया, हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया. ये देख सकते हैं फिगर जो है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इस तरीके के दिखते थे. अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हम ये देख सकेंगे इनका जो साइज था वो रिड्यूस हो गया. यहां पर हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही थी वो भी लेस थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. लेकिन यहां पर भी एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ रही थी. और आज जो हम बात करने वाले वो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम किसका यूज करेंगे, ना ही वैक्यूम ट्यूब का ना ही ट्रांजिस्टर का, बट यहां पर जो यूज हो रहा है वो इंटीग्रेटेड चिप्स का. तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसमें क्या होता है एक्चुअली, पहले तो आप फिगर देख लीजिए कैसे दिखती है थर्ड जनरेशन, ये आपके सामने है. इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है. इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर भी, आपके कैपेसिटर भी, रेजिस्टर भी, सारों को इंटीग्रेट कर लिया होता है, एक ही जगह इंटीग्रेट कर ले होते हैं, जिसकी वजह से जो साइज होता है वो कम होता है. लेकिन यहां पर भी थोड़ी बहुत हीट जो है वो जनरेट होती है. अब उस हीट जनरेशन के लिए यहाँ पर एसी का यूज किया जाता है. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे, क्या इनका जनरेशन पीरियड है और क्या इंपॉर्टेंट वो जो भी फैक्टर है जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe our channel. Also, join us on our Facebook pages. Link is given in the description box or in the comment section. For any query, you can direct message us on Instagram pages. The link is given in the description box. Third generation computer. The period of the generation is from 1965 to 1971. In some books, it is written as 1964 to 1975. The computer of this generation used integrated circuit, yani ke ICs ka use kar rahe the, third generation wale computer. First generation mein hum padhe the, jo switching devices hai, vacuum tube hai. Second generation mein hum padhe, transistor is a switching device. Aur third generation mein hum padh rahe hai, इंटेग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जा रहा है, यानी कि आईसीज का यूज कर रहे हैं. आईसी जो है विद एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. ए सिंगल इंटेग्रेटेड सर्किट आईसी है मेनी ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्किट. अगर हम एक इंटेग्रेटेड सर्किट की बात करेंगे, नाम ही है कि इंटीग्रेटेड, जो वायर्स थी उसको रिमूव कर दिया गया और एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बना दिया गया जिसमें ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, रेजिस्टर भी लगे हुए हैं और कैपेसिटर भी लगे हुए हैं अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्किटरी. तो इस तरीके से जो सारे ये चीज़ें थी इनको इंटीग्रेट कर दिया गया. जो हमारा थर्ड जनरेशन था इसमें जो कंप्यूटर का साइज था ये फर्दर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. फर्दर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और अब जो कंप्यूटर है वो कुछ इस शेप का बन गया. ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है यानी कि आईसीज, दे वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी. किन्होंने इन्वेंट किया था इंटीग्रेटेड सर्किट को, जैक किल्बी ने. दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर हो गए साइज में, रिलायबल हो गए एंड एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट हो गए. इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड. तो किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज किया जा रहा था इस जनरेशन में, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग. एक तो ये रिमोट प्रोसेसिंग हो गए, टाइम शेयरिंग भी हो गए, मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो गए. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो इसमें अभी यूज किया जा रहा था. तो अगर हम बात करते हैं इसकी जो की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा तो क्या क्या होगी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, सेकेंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड थर्ड
अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द हार्डवेयर। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, फास्टर हो गए, स्मॉलर हो गए, मोर रिलायबल, ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस, कॉमर्शियली ईजियर टू यूज एंड ईजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, साइंटिफिक, कॉमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। तो जो लैंग्वेज थी अब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगा, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जैसे कि हम हैं, हमें इंग्लिश समझ आती है तो हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज है हम जो मिलकर इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं ये क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनकी कुछ एग्जाम्पल भी आपको याद रखनी है, फोर्ट्रेन है, जैसे कोबल है, पास्कल है, बेसिक है, एल्कोल 68 है। तो इन लैंग्वेजेस के बारे में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कोई भी लैंग्वेज दे दी, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेग्रेटेड सर्किट्स आर यूज, दैट इज आईसीज आर यूज्ड। सेकंड, मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टू जनरेशन। थर्ड, स्मॉलर इन साइज। फोर्थ, जनरेट लेस हीट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम देखे थे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब थाउजेंड्स में करते थे यूज, तो उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होती थी, और यहाँ पर जो हीट जनरेट है वो लेस है, बिल्कुल रिमूव नहीं हो गई बट लेस है। अगर लेस है तो एसी का भी यूज़ कर रहे हैं, एसी आर रिक्वायर्ड हेयर आल्सो, दे आर फास्टर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, दे आर कॉस्टली, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब जो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी, पहले सम कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वर IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168 एंड TDC 360 आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। और इनकी एप्लीकेशन जो थी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हो रही थी। अभी भी ये कंप्यूटर जो थे वो पर्सनल यूज के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बहुत कॉस्टली थे, बट फिर भी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ हो रहे थे कमर्शियल पर्पस के लिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें यूज़ कर रही थी। और ये वाली जो लिमिटेशंस हैं आगे या आगे फोर्थ जनरेशन में इन लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं। तो हम समअप कर लेते हैं अभी तक हम क्या पढ़े। पहले तो जनरेशन पीरियड है, जनरेशन पीरियड 1964 से 75 तक, और कुछ बुकों में अलग लिखा हुआ है, तो एक डिकेड जो है आपको याद रखना है। की हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज क्या थी, ICs with SSI and MSI technologies are used, larger magnetic cores memory used, larger capacity disk and magnetic tape secondary storage। यहाँ पर capacity disk का use होने वाला था, CDs थी, फिर DVDs भी आ गई बाद में, तो mini computers upward compatible family of computers में आ रहा था ये। Key software technology time sharing operating system, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फास्टर थे, स्मॉलर थे, मोर रिलायबल, ईजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस, कॉमर्शियली ईजियर टू यूज एंड ईजियर टू अपग्रेड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, साइंटिफिक, कॉमर्शियल एंड इंटरक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फिर कुछ एग्जाम्पल जो कि हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। तो ये जो था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में था। इनके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जिनमें की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या होगी, VLSI टेक्नोलॉजी, फिर माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है, 1975 से 89 तक ये वाली जनरेशन थी। उसके बाद पढ़ेंगे हम फिफ्थ जनरेशन के बारे में जो आज तक यूज हो रही है, सुपर लीक स्केल इंटीग्रेटेड, इसमें SLSI आ रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें ऑप्टिकल डिस्क का भी अब यूज़ हो रहा था स्टोरिंग स्टोरेज डिवाइस में, बहुत सी उनमें एप्लीकेशंस आती है जो कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज़ हो रहे हैं, रोबोटिक्स में यूज़ हो रही है। तो फिफ्थ जनरेशन में हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ऑल्सो जॉइन अस ऑन अवर फेसबुक पेजेस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। You can directly message us on Instagram page. The link is given in the description box or in the comment section.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।